चलो कवा मुदैया से मिलके, कुछ लोगवा मुदैया से मिलके पहलिया के जाल हो गई, कुछ लोगवा मुदैया से मिलके पहलिया के जाल हो गई। जाति पाति पौआ पाटी के कारण, जाति पाति पौआ पाटी के कारण देशवा के बुरा हाल हो गई, तो केहू बेटा बेटा खातिर मरे, केहू अपना फेटा खातिर मरे, केहू बेटा बेटा खातिर मरे, केहू अपना फेटा खातिर मरे। बीपी राजा के कुर्सी छीनाई, बीपी राजा के कुर्सी छीनाई भारी बवाल हो गई, बीपी राजा के कुर्सी छीनाई त भारी बवाल हो गई। तो देख गाड़ल मुर्दा उखाड़ल गई, भाई भाई के रिश्ता बिगाड़ल गई, देख भाई भाई के रिश्ता बिगाड़ल गई। तो हमारी अयोध्या के पावन नगरिया, हमारी अयोध्या के पावन नगरिया लहू से लाल लाल हो गई, हमारी अयोध्या के पावन नगरिया लहू से लाल लाल हो गई। जाति पाति पौआ पाटी के कारण, जाति पाति पौआ पाटी के कारण देशवा के बुरा हाल हो गई, जाति पाति पौआ पाटी के कारण देशवा के बुरा हाल हो गई, देशवा के बुरा हाल हो गई, देशवा के बुरा हाल हो गई। जो मेरा सातो परिवार मारा गया ना, तो पहले हेलकर उन्हीं लोग के गोली मार दिया, उन लोग के गोली मारला के बाद में हमको कैमरा में हिल गया, तो जब ना कोई आदमी भेटा तो रास्ते से निकल गया, फिर दूसरा रूम में कन करने लगा, और निकलला के बाद में हाई घर में घुस गया जिसमें नौ गो मराया गया था, फिर बाद में इसी घूम के समय मार दिया, उसके बाद हम लोग चल यह तय कर लिए थे कि बथानी टोला पर कोई मिले आज उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उतना भी व्यक्ति है जो अपने घर में उग्रवादियों को शरण देता है। सब गोड़ हाथ बांध दिया, मैंने कि एक एक आदमी के चर्चर को के अझुरा के बोला कि आप लोग सही तो बैठे रहें, हम लोग सब जब चले आए, सब से चले आए जब 10-50 आदमी आ गए सब ना, उसके बाद सबके एकाएक काटने लगे लाइन से। उस दिन महिला और बच्चे मिले अगर वो भी भाग जाते तो वहाँ पर के वृक्षों को ये लोग काटते, इतना क्रोधित किसान हुए थे, वृक्ष को काट देते, उनके घर को फोड़ देते, लेकिन खैर हुआ कि बच्चे और बूढ़े मिल गए जिन पर अपना ये लोग आक्रोश शांत किए। जो साला 6-6 महीने के बच्चा के काट दिया, 6 महीना बच्चा क्रांतिकारी करने वाला है, नरसंहार एक दो को करना पड़ा,
है कि अभी जैसे नाड़ी में मार दिया नौ आदमी को और कहीं जाता है और आठ आदमी नौ आदमी को मार देता था, तो हम लोग सोचे कि भाई अब इसका इससे त्राण कैसे मिलेगा। तो सठम साठ्यम समाचार है, सठ के साथ तो सठपन करना ही पड़ेगा। हालांकि नरसंहार एकदम गलत काम है। थाना के इंचार्ज के मतलब नाम बता दे कि फलाना फलाने के हम देखे हैं, हमारे गाँव के आदमी था, उन लोग भी कांड करवाया मारने में था, तो आपके लोग कह रहे हैं मारने के लिए, तो आप डरिएगा ना कि अब तो भाई पहले पाँच सात को परिवार थे तो सबके खत्म किया, अब सिर्फ अकेले हैं तो डर होना था जरूरी बात। आज के विधानसभा घिराव में दो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। एक, हमने कहा कि बोल रहा है पूरा बिहार नहीं सहेंगे जनसंहार। हमारी समझ है कि ये पूरे बिहार की दिल की धड़कन है इस समय कि जनसंहारों का जो सिलसिला बिहार में चल रहा है ये रुकना चाहिए, अब भी रुकना चाहिए। दूसरी बात, हमने कहा कि जनसंहारों के लिए सबसे ज़्यादा जो संगठन जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा जो ताकत जिम्मेदार है, उसका नाम है रणवीर सेना। Bihar's endless cycle of violence, 34 people, mostly Yadavs and Dalits, have been shot dead by the upper-caste private army, the Ranvir Sena. Most of the 34 victims of last night's carnage were women and children. The village of Bihar is unfortunately located on the cross-section of three extremist strongholds, Gaya, Jehanabad and Aurangabad, and the latest violence is being seen as a retaliatory killing by the upper-caste Ranvir Sena. Last year, the MCC had gunned 34 upper-caste villagers just 6 kilometers from here in Senari village. And at that time, the Ranvir Sena had threatened revenge. Violence, you know, perpetrates violence. That is a very ugly cycle. It's a very vicious cycle. It's just like those, what do you call, out in Texas kind of a thing. You kill someone, the other family takes revenge. It goes on and on and on. Already villagers here are talking about revenge, which means more violence and more death. Jina hai dharti par dakar hai, ekdam badli lekar ke rehna hai. Bahut insaan ko log maar diye naxali log, और दोस्त यार के मारे, जरा चलते हम भी खुश है कि खूबे मारे। वायलेंस यहाँ पूरे वो एक सोशल कोड है, सोसाइटी के अंदर इतना बिल्ट इन वायलेंस है। रणवीर सेना के लोग जो अपनी 25 जुलाई 95 को अपनी संविधान पास किया था, उसमें कहा था कि अगर हमारा एक लोगों की हत्या होगी तो हम जवाब 10 हत्याओं से देंगे, हम 10 हत्या करेंगे। पहली बात तो यह है कि जिसको आप रेखांकित करते हैं तो उसको पकड़ने में तो बहुत टाइम लग जाता है, वो आदमी छिपा रहता है और कहाँ रहता है। रणवीर सेना अभी नया संगठन है, 93 अगस्त से आया और 94 से पिकअप पकड़ा, तो 3 वर्षों में किसी समाज को भय मुक्त कर देना यह साधारण चीज़ नहीं है। जिस तरह के सदियों से जो सामाजिक दमन था, तो लोग उससे लोगों को कहीं लगा ही नहीं था बिहार में कि हिंदुस्तान आज़ाद हो। जब जब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की, हमेशा सरकारी बंदूक, स्टेट का टेरर और साथ साथ जो भी अभी सामंती सत्ता है, वो सामंती सत्ता दोनों ने मिलकर बंदूक के सहारे उसको दबाने की कोशिश की। तो इसलिए वायलेंस हमारे लिए प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर नेसेसरी है तो हमने ये कहा कि भाई हम वायलेंस नहीं करते, क्योंकि ये जो वायलेंस होगा इसको हम समझते हैं कि ये जस्टिफाइड वायलेंस है, जस्ट। और ऐसे तो गांधी जी ने भी कहा था कि अगर वायलेंस और कॉवर्डेज के बीच में अगर हमें चुनना हो तो हम कवार्ड बनना नहीं पसंद करते। जब जान जा रहा है तब तो कुछ तो करना ही है। आखिर इसका उपाय हम लोग सोचे कि इसका उपाय क्या किया जाए, दूसरे रात दिन हत्या करते रहेगा, हम लोग सहते रहेंगे, तो इसका उपाय तो कुछ सोचना पड़ेगा। हम लोग सोचे कि तब सठ के साथ सठपन करना पड़ेगा। एक आध संहार हम लोग किए जरूर, संहार किए तो थम गया,
थम गया हो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं हत्या, एक भी हत्या हम लोग नहीं चाहते हैं। हम अपने मजदूर को मारेंगे तो हमारा खेती कम करेगा। मार काट होने से क्या एक तरफ दूसरे का नफरत ही ना पैदा हुआ? मार काट ये तो खाली में समझे तो जितना ये सब माले ये था रणवीर सेना दस फैलाने के लिए किया था। हम सिर्फ अपने हथियार से ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। सरकार जो है कुछ करेगी उड़ेगी नहीं, सरकार का काम है सिर्फ लाश को ले जाकर के पोस्टमार्टम करा देगी। वॉट इज देयर इन बिहार विच मेक्स इट सो डिफरेंट एंड यूनिक? The perception of Bihar outside, it's in complete mess. The governance system as such is completely collapsed. There are various private armies and war troops. They have already taken law in their hand. Nothing works. I personally don't subscribe to this view. I think there are serious problems, structural, historical, with this state. But there's nothing which I can perhaps say that it is really that kind of unique that it makes Bihar just that Bihar. Perhaps in other states there are things which are beneath the surface. The structural constraints and problems are there. But for certain reasons in Bihar that has come up on the surface, the turbulence, the resistance, the struggle have now come up on the fore. It appears as if there is something totally unique about Bihar. But yes, I will not hesitate to accept that there are serious problems in the society as well, and the polity, and the state of, and the state system. If there is one state in India which is really crying out for a revolution, it is Bihar. जिंदगी के हर मोर्चे पर वो अभी भी सामंत अवशेष यहाँ हावी होना चाहता है। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है कि आप सामंत अवशेष को ख़त्म करें, तो वो काम बिहार में अभी भी बहुत बाकी है। When a system gets weakened, then even with a minor protest it feels threatened and it always overreacts. Central Bihar is the weakest link of feudalism in Bihar. Most of the violence has taken place in South Bihar. In Bihar and UP, the process of modernization got halted and this area developed some sort of a resistance to Western thought. But apart from that, the one town which played a very decisive role in determining the socio-cultural ideology of the Hindi heartland was Banaras. And the trading community played a very important role in the life of Banaras. The combination of the Baniyas of Banaras, the Maharaja of Banaras and the Brahmin Sanskrit Pandits played a very important role how the psychology of that area will develop. They brought about certain transformation which determined the entire social profile of Hindi heartland. Because of lack of social movement here, because of lack of multi-caste social movement in this part of the country, there was no movement of social emancipation. किसी में सहन करने की क्षमता होती है और किसी में कहा जाए कि क्षमता कम होती है सहन करने की। मध्य बिहार में सामंतों का गढ़ रहा है और सामंती जुर्म जो है मध्य बिहार में अधिक रहा है और जहां पर सामंती जुर्म अधिक रहेगा निश्चित रूप में जनता जो है वहां की जनता जो है उससे निजात पाने के लिए अपना कोई रास्ता ढूंढेगी। तो यही कारण है कि उन लोगों की दबदबा से ऊब करके आइए लोग आंदोलन करना शुरू किए हैं क्योंकि आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है कि हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इफ यू वांट टू रिमोलिश अ वॉल, वी हैव टू स्टार्ट द रिमोलिशन वर्क फ्रॉम द वीकेस्ट पॉइंट्स, बिकॉज देयर द एफर्ट्स विल मैच द रिजल्ट्स। इन सेंट्रल बिहार द एफर्ट्स हैव मैच द रिजल्ट्स। पूरे यहाँ की सरकार ये कहिए तो ऑफ द फ्यूडल्स बाय द फ्यूडल्स फॉर द फ्यूडल्स, इस तरह की सरकार यहाँ नहीं। तो सरकार पूरे ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ यहाँ आप पाएंगे कि बहुत लंबे समय से एक निजी सेना की परिघटना, कानून को लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरह से जो इंडिया का मॉडर्न स्टेट है वो मॉडर्न स्टेट भी यहाँ फ्यूडलिज्म के सबसे बड़े प्रोटेक्टर के रूप में उसको बचाने में लगा है। और इस तरह से लोग तो कहते हैं कि बिहार इज़ ए मॉडर्न मेटाफॉर फॉर फ्यूडल सर्वाइवल्स, लॉलेसनेस, वायलेंस। तो फ्यूडल जो सत्ता है उसका एक मॉडर्न मेटाफोर बन गया। भगवान की कृपा से आप इस वोट में विजयी घोषित किए जाएंगे और
काहे नक्सलाइट पैदा हुए, क्या कारण था कि लोगों ने हथियार वहां उठाया, तो हम पता लगाए। एक गांव है कुवारी, उस कुवारी गांव में एक मास्टर थे जगदीश महतो, उनका नाम था जगदीश महतो, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और गांव के जो मजबूत आदमी थे जिनको आप सामंती कहते हैं वही लोग बोगस वोट डालने जा रहे थे। और जगदीश महतो पोलिंग एजेंट थे कम्युनिस्ट पार्टी के, अपने पार्टी का काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बोगस वोट हम नहीं डालने देंगे। क्या नतीजा हुआ, जगदीश महतो को गाँव के दबंग लोगों ने पोलिंग बूथ से खींच करके पेड़ में बांध करके पीटा और ऐसा वैसा नहीं पीटा। जगदीश मास्टर 3 महीना तक अस्पताल में भर्ती रहे और जब अस्पताल से निकले तो नक्सलाइट हो गए और उन्होंने ही बिहार में नक्सलाइट आंदोलन का के जन्मदाता के रूप में उनको जाना जाता है। ऐसे लोग हैं जो आज भी सोच रहे हैं कि बंदूक के बल पर, जनसंहार के बल पर, सामंती हिंसा के बल पर गरीबों के आंदोलन को कुचल दिया जा सकता है। स्थिति अच्छी नहीं और ये जंगली क्षेत्र में हम लोग को दूर दराज तक भी जाना है। यहाँ से 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाना है। फोर्स आगे आगे चलेगी, पीछे से हम लोग चलेंगे। हो सकता है कि पैदल चलने में कहीं हम लोग पर अटैक हो जाए, कहीं छिप करके गोली भी चल सकती है, कहीं छिप करके बम भी फेंका जा सकता है। उग्रवाद जो है इनका मुख्य उद्देश्य है टेरर फैलाना है और उसमें आतंक जो आपको फैला करके दहशत पैदा करना है। बैलट की भी जो लड़ाई है वो बिना बुलेट के चलती नहीं है बिहार, और बैलट की लड़ाई में जो गरीबों की भागीदारी कम करने के लिए हमेशा बुलेट का सहारा लिया गया, इसलिए बैलट बुलेट हम लगता है कि देखिए जन आंदोलन में मुक्ति का जो संघर्ष है इसमें हर तरीका जायज है। I am the government but I have no hesitation to say that I am not referring to any political party as such or any particular government, actual government power, but I'm talking about the entire, you know, I'm perhaps using this as relatively more in an abstract sense, the system of governance that simply completely failed for the poor people. मैं मन बना लिया कि भाई यहाँ के सामंती धाक को तोड़ना बहुत जरूरी है और जब तक सामंती धाक यहाँ का नहीं टूटेगा तब तक गरीबों का इज्जत कोई रहेगा वहेगा नहीं। तब से हम मतलब कि यहीं पर नक्सली आंदोलन से यहाँ के गाँव के में संगठन बनाने के लिए जुट गए और तब से गाँव में अपना संगठन बनाने लगे। जब बेकवारी के लोगों को मैंने 2 दिन बड़ी परिश्रम करके इकट्ठा किया तो उन लोगों ने कहा कि आप माले से या नक्सलाइट से लड़ने चले हैं तो इस गाँव का नक्सलाइट तो नथुनी बाबा है जो संत सिंह के पिताजी थे, आपको लड़ना है तो उनसे लड़िए, हम लोगों को क्यों जगाने आए हैं, आपकी है हिम्मत तो उनसे लड़ सकते हैं, लोगों को बांध कर खाम्भा में पीटे हैं, दारू पी के घर में ढुक जाते हैं आज भी संत सिंह, इस तरह की बात तो उस समय लोगों ने कही थी। ऐसा ऐसा बुनिहार है जिसको भी मैंने सुनी तो कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा इस तरह है जमीन है, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने आप में उस सबका ये है कि नहीं हम बुनिहार हैं। The breeding ground was not economic, even if there was, from our eyes, an economic exploitation. It was primarily social injustice against women, rape, taking them away, women and keeping them, and kept overall behavior against them. You know, using four-letter words, using abuses, forcing them to work in the field, beating them. All that was the major breeding ground, and that led to the growth here. Hello. अपने घर के भी खाट पर नहीं बैठ पाते थे, उनके सामने इज्जत था ही नहीं, हाँ हर कोई के इज्जत पर धावा बोल देते थे, कुछ भी कर लेते थे अपने मन के मुताबिक। Those people told me that when they used to go to thana, police station, to complain that some people from the upper caste or powerful group, they have misbehaved with their daughter, you know what answer used to come from the police station? Hey, your daughter has grown young. What will happen to her if you do not get her married quickly? Go and get her married quickly. In a very, very brash tone. And that person told me that, you see, if this, that would have happened with a daughter of an upper caste,
would that have been the reply of the officer in charge of the police station? And if we would have done something like that, we would have been just beaten like this without even an FIR being registered. 80 के दशक में एक मुसहर जाति की महिला अपना सुअर चरा रही थी और क्या हुआ कि उसका सुअर जो है धान के खेत में पड़ गया, वो दौड़ते हुए जा रही थी और उसी समय वहाँ पर भूमिहार के जाति के कुछ दबंग लोग पहुँचे और उसके गुप्ताओं में डंडा कर दिए, वो औरत मर गई। किसान अत्याचार कर ही नहीं सकता है, किसान को मजदूर से मतलब है, मजदूर को साथ में कमाना है, मजदूर के साथ खेत में रहना है, खरिहान में रहना है, रात दिन मजदूर से मतलब है, हम अब मजदूर के साथ अत्याचार कैसे करेंगे, अत्याचार करेंगे तो हमारा खेती कैसे हो, ये सब तो बहाना बना करके अपना चला रहा है सब। प्रसाद रणवीर सेना के लोग अपना ही मन से 20-25 रुपया बांध दिए थे यहाँ के गरीब से, इतना ही हम देंगे, इतना ही पर तुमको खाटना है। गरीब बेचारे हर तरह से अपना शोषण सहते हुए भी जा कर के खाटा लोग, हम लोग भी चाहते हैं कि वो लोग का मजदूरी बढ़ जाए। Whenever a Dalit demands a wage fixed by the labor department, by the government, minimum wage for agricultural work, he's answered by the bullets. किसान के साथ समस्या यह है उसमें कि किसान अब उतना मजदूरी तो दे देता है जो सरकार निर्धारित करती है, लेकिन जो सरकार ने काम का घंटा निर्धारित किया वह किसानों को नहीं मिल पाता है। You go to a bata shop. 20 years ago they were selling a shoe for 15 rupees. Today they are selling the same shoe for 150 rupees. You don't take out a gun to shoot them. Bloody bastard, why you have raised the price of the shoe? मजबूर होकर के कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा। ऐसी थोड़े है कि मतलब कि आदमी काम नहीं करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा, बगल के गांव में काम करेगा, अब बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे। Now when everything is getting costlier in the society, this man, he has to live. He is working for you. If he is saying, please give me this minimum, this is minimum, this is lowest wage fixed by the government. What is wrong? What is the sin? और अगर आप बात उठाते हैं कि आप पूरा घंटा काम नहीं किए हैं तो मैं मजदूरी नहीं दूंगा, तो वही उसके संगठन या यूनियन के लोग जुट जाते हैं, लाठी भाला गोली लेके चलाने लगते हैं और ज़बरदस्ती शोषण करते हैं किसानों का। तो किसान, यहाँ का किसान एक शोषित किसान है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द ट्रेन फेयर और बस फेयर, बट व्हाट यू कैन डू इज सडनली यू कैन अब्यूज द रिक्शा वाला, ए रिक्शा वाला, चलो आफ्टर यू हैव रीच हियर you give him anything. If he dares protest, give him 10 abuses, sala. Dimag kharab ho gaya hai. That guy is the most vulnerable. So this is what happens. That the farming community is unable to fight the system as such. So their entire pressure and squeeze is on the most vulnerable, the poorest of the poor, the agricultural worker. ये मजदूर भाई जिस तरह से हम लोगों के साथ मिल मिलाप करते हुए आ रहे हैं, यदि हमारा उत्पादन बढ़ा देते हैं अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने खेत समझकर, तो हम लोग इस मजदूरी को तीन गुना कर देंगे, इस मजदूरी को तीन गुना कर देंगे, क्योंकि हम जितना दुखी हैं हमसे कहीं ज़्यादा दुखी मजदूर है। जो तय मजदूरी है लोगों को जो मिलती है उसमें इतना फ़र्क है कि आप एक बार छलांग लगा करके उस घोषित मजदूरी तक नहीं पहुँच सकते। हमने कदम ब कदम बढ़ने की कोशिश की है ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा सामाजिक तनाव शुरू नहीं ना पैदा हो जाए। The purpose of creation of labor department was to ensure that justice is done to the laborers. That was the purpose. That should have been the purpose. No, the purpose is not there. It was never there. The purpose was to create a deception. To create a deception of a welfare state. So what you do? You make lot of progressive laws. You create departments. But you ensure that departments don't become functional. Ensure laws are not implemented. Don't bother about it. सरकार का नीति है कि ऐसा ही लड़ाया जाए। अपने मजदूर को 150 रुपया देती है, हमको 50 रुपया, हम 100 रुपया देंगे मजदूर को, क्या नहीं देंगे? हमारा समर्थन मूल्य, हमारा उचित मूल्य मिल है तो मजदूर को देने में हमको क्या दिक्कत है? ये सब सरकारी नीति के चलते झंझट लगा हुआ है। Deep in their consciousness, this agricultural worker who is basically a Dalit is a slave. And slave has no right to negotiate wage.
अभी हमारी लड़ाई वही जनवाद की लड़ाई, जनता के जनवादी क्रांति के दिशा में मेरा यह है, और सामंती अवशेष को खत्म करना, जिसमें सामंती अवशेष लोगों को जनवादी अधिकार नहीं देता, जमीन को जो न समाजीकरण के दिशा में जाने देता है और न निजीकरण में भी नहीं जाने देता है, वह कुछ मुट्ठी भर लोगों को केंद्रीकरण होती है जमीन की। Almost 79% people in Bihar live in the villages, and 70% people derive their livelihood out of participation in agriculture. Therefore, land is the core issue. 40% जमीन पर यहाँ पर खेती होता है, 40% जमीन मठ में है, और 20% जो जमीन है वो बिहार सरकार की आम जमीन है, और मठ का भी जमीन जो है उसी गांव के जो सामंत है, दबंग है, उसी के कब्जा में रहता है, और तमाम बिहार सरकार की जमीन जो है सब उसी के कब्जा में रहता है। All the Dalits, by and large, almost without exception, in fact, they have been deprived of any basic property. In known history, they have always been deprived of any basic property. Property, land is only property. The entire landed segment was in the government. If, for example, the Darbhanga Maharaja or all these estates, Amava estate, Satwa, and they were all in governance, some way or the other. They were in bureaucracy, they were in the police, they were everywhere. At one hand, the political leadership had a progressive posture, trying to come out with measures like land reforms and the misery abolition. At another hand, there were forces which ensured that progressive things are not implemented. At each stage, there were very powerful lobbies always trying to sabotage. And judiciary played a major role. Judiciary in India has played always a reactionary role in favor of the property classes. People were ruling their estates for a long time, say 100 years, 50 years, 200 years, 300 years, just to give away everything just like that. It was unthinkable for any person for that matter. So there was resistance. And the people who came into bureaucracy and the police, they had the mechanism to control any unrest on that account. So this unrest was kept down. Land reforms are totally sabotaged in Bihar. It's well known. People, in order to sabotage and hoodwink the Sealing Act, people showed lands in the names of parrots, in the names of donkeys, in the names of cows, in the names of horses. Benami lands. Land was registered in the names of even cats and dogs. They did not have as many people to register records as there was land. The upper caste people who occupy the lands, because basically they are not agricultural people, they are land owners. And the traditional taboo in Bihar is these four upper caste people don't touch the plow. जहाँ जनसंघार हो रहा है, खेतियर मजदूरों की हत्या हो रही है, तो क्या खेतिहर मजदूर जान हथेली पर लेकर के वहाँ जाके काम करेंगे? तो बहुत जगह तो खेतिहर मजदूर भाग गए हैं, उनको जाना पड़ा है। अब जब वो चले गए हैं तो अभी भी ऊंची जाति के जो लोग हैं जो खुद से खेती नहीं करना चाहते, तो एक तरह से ऑब्जेक्टिवली एक इकोनॉमिक उनकी खेती पड़ी हुई है, तो लोग कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ब्लॉकिंग हमारे ऊपर। गाँव के हर गाँव में दो चार किसान पर कह देगा कि इनका कोई काम नहीं करेगा, मजदूर डर से काम पर जाएगा नहीं और उनका काम ही नहीं होगा। मजदूर जब काम पर नहीं आएगा तो काम कैसे होगा? उनका खेत परती रह जाएगा, और परती रह जाएगा तो उसका लक्ष्य ही था कि परती रहेगा, खाने बिना मरेंगे तो जो हम कहेंगे वही अपना मान लेंगे। चार आदमी जब गांव का किसान मान लेगा तो पूरे गांव के लोग। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि भाई मजदूरी आपको नहीं दी जाएगी, कम से कम मजदूरी दी जाएगी, आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। तब तो बंधुआ मजदूरों के साथ आज के जिसको हम कहते हैं कि आज़ाद मजदूर, क्या फ़र्क है? आर्थिक नकबंदी लोग लगाए कि से हम जो कहे से कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो आपको पूरा गांव पर नकबंदी है। हमारे पार्टी में मिलिए, हमारे दस्ता को आप रखिए, और ये भूमिहार समाज से संभव नहीं है, इसलिए कि भूमिहार समाज का अपने घर में न किसी का भी दस्ता, चाहे रणवीर सेना का हो चाहे संग्राम समिति का हो, दस्ता किसी को नहीं सुताएगा घर में। इसके चलते दोनों करे से मारा जा रहा है।
उन लोगों ने शुरू में आर्थिक नाकाबंदी का काम प्रारंभ किया और बड़ी पैसा कमाया इससे। तो आर्थिक नाकाबंदी जब हो जाएगी तो आपका खेत में कोई मजदूर काम करने नहीं जाएगा, आपके खेत में नहर का पानी नहीं जाने दिया जाएगा, सिंचाई का काम रोक दिया जाएगा, कोई बीज कवारने नहीं जाएगा, कोई उसमें रोपने नहीं जाएगा, फसल लगा है काटने नहीं जाएगा। जब फसल तैयार होगा तो वो लोग सार्वजनिक जूट के लूट लेंगे उसको और कहेंगे कि इनके ऊपर आर्थिक नाकाबंदी है, और तब आपसे बार्गेनिंग मोल तोड़ प्रारंभ होगा कि भाई आप पर आर्थिक नाकाबंदी है, 2 लाख रुपया मुझको दे जाइए नेताजी को, तब आपका आर्थिक नाकाबंदी तोड़वा दूंगा मैं। तो एक दूसरा नेता कहेगा नहीं नहीं, मैं 1.5 लाख आप मुझको दीजिए, मैं तोड़वा दूंगा, उसको 2 लाख मत दीजिए। अब कहीं ना कहीं जाके एक भाव पड़ जाता था, नेताजी के बगली में पैसा किसान दे देता था, वो आर्थिक नाकाबंदी तोड़वा देते थे। जिस गांव में मतलब 2 बरस से नाकाबंदी लगा हुआ है, कोई पैदा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके यहाँ खाने के लिए नहीं, अब सोचिए कि हालत में वो क्या कर सकता है। चाहे तो किसी के यहाँ डकैती करेगा, बस लूटेगा, ट्रेन लूटेगा, चाहे किसी को मर्डर करके पैसा छीनेगा, तबे खाएगा। So it was hurting the person so much, so that his power to retaliate or his power to buy weapons or his power to attack is gone. यहाँ भोजन ही बंद है, चाहे भूमिहार हो चाहे मजदूर हो, वैसा ही 10% है कि जिसके यहाँ नौकरी है, बड़ा किसान है उसके यहाँ चावल गेहूँ कुछ है, लेकिन किसी को नहीं समझिए कि भूमिहार जाति में भी जो छोटे 10 बीघा 5 बीघा के गृहस्थ है, वो लोग भी कमा के कहीं से ला रहे हैं तो खा रहे हैं। और मजदूर वर्ग तो बेचारा मजदूर वर्ग है ही है, जहाँ 10 गो मजदूर काम कर देता है वहाँ 100 गो मजदूर पहुँच रहा है, तो उसको कहाँ से काम मिलेगा, काम नहीं मिल पा रहा है, वो भी मर रहा है। और सरकार तो ये देख ही रही है कि दोनों लड़ते रहे, हर जन बैकवर्ड फॉरवर्ड के हम अथी करते रहे, और हमारा वोट बैंक बना हुआ रहे, कभी 10 गो 52 कटा जाए, कभी 10 गो हरजन कटा जाए। What was happening to the peasants through exploitation, now it's happening through what you call passive and at the same time active resistance in the theme of in the shape of blockades. But the result is almost the same, penury on both sides. It's as bad whether you are a peasant being exploited or whether you are a person who is being boycotted despite the wealth you had. The effects are the same. लेकिन हमने के सामने दो वो प्रबल नुकसान पहुंचाने के माने लक्ष्य बात, एक तमाल है दूसरा लालू। मजदूरों के बीच अपना पैठ बनाकर मजदूरों को मजदूरी के लिए हड़ताल कराया, तो जो आम किसान थे, आम किसानों के बीच एक आक्रोश व्याप्त हुई कि भले वो आर्थिक आधार पर काफ़ी ऊँचे रहे, वो जिन पर नाकेबंदी लगी थी, लेकिन बाईकास्ट भूमिहार थे, तो एक फीलिंग था कि वो हमारे जात के हैं, उन पर किसी तरह का नहीं होना चाहिए। गलत है या सही ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि वह हमारे जात का है और उन पर अगर किसी तरह क्या चाहती है तो हम पर आते। इफ द वर्किंग क्लास इज बीइंग यूनाइटेड, इफ द वर्किंग क्लास टेक्स आउट अ प्रोसेशन विद अ रेड बैनर, द फ्यूडल लॉर्ड्स फील थ्रेटन्ड बिकॉज दे आर वेरी वीक ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द लैंड व्हिच इज द बेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म। संगठन बना कि हम लोगों को कुछ राहत मिला, हम लोग भी अब संगठित हो गए, अब काम नहीं करता है तो हम लोग अगल बगल के जवार के 5-10-100 किसान जुट करके वहाँ पे जाकर खेती कर देते हैं, कटनी नहीं करेगा तो अगल बगल के सब किसान जुट करके कटनी कर देते हैं, अब हम लोग भी उसके नाकाबंदी को विफल कर दी। इन फ्यूडल सिस्टम विच इज डीप इनग्रेन्ड इन द माइंड्स ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स इन बिहार, एंड इट इज फनी टू कॉल देम इवन फ्यूडल लॉर्ड्स बिकॉज सम गाय मे हैव लेस देन 10 एकर्स ऑफ लैंड, स्टिल द माइंड सेट इज दैट फ्यूडल, ही थिंक्स दैट दे हैव बीन मेड टू लिव इन दिस विलेज to work for us. If they are not ready to work for us at our terms and conditions, they have no right to live in the village. India is a land of festivals. मजदूर वर्ग जो है और जो हम लोग हैं किसान वर्ग, उसके बीच एक गैपिंग है। मजदूर अन्न उपजाता है, हमारे यहाँ ढोकर लाता है, उसमें कोई छुआछूत नहीं है। खेत में हम साथ ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर पर हमारे मोहल्ला में वो आता है तो हम उसके लिए चबरते हैं, वो हमारे साथ चौकी पर या खाट पर नहीं बैठते। हमारे यहाँ अन्न पहुँच, लेकिन जब खाना खाने की बात होगी तो उसके लिए हम अलग छिपा रखते हैं। मतलब ये कि वह हमसे काफ़ी पिछड़ा है, दूसरा बैकवर्ड जात का है, इसलिए हम उसे अपने छिपा में नहीं खिला सकते। सो एसेंशियली द कास्ट सिस्टम बेसिकली इज ए अपार्थाइड थिंग, इट इज़ ए
डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। जाति कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हवा में है, ऐसी बात नहीं। जाति जमीन पर है और जातियां जो है वो मुख्यतः किसी न किसी वर्ग को चिन्हित करती है। मोटे तौर पे आप मान ले सकते हैं कि ऊंची जाति जो है वो अभिजात वर्ग है, अपर सेक्शन है, और पिछली जाति और दलित ये निचला। इफ एन एग्रीकल्चरल वर्कर वाज बीटन अप बाय द लैंडलॉर्ड्स और मालिक, ही विल से हुजूर पेट पर नहीं पीठ पर मार। He could not protest why you are doing this to me. He could never dare say because he thought that it is the birthright of the Malik to beat me up. Today if somebody abuses a worker, today if somebody misbehaves with a worker, the worker will loudly protest. He will say, Tabhi se baat kijiye, nahi zaban kijiye. So things were pretty bad. What to talk of Dalits? I am saying Yadavs could not dare sit on a cot before the Bhumiars or the Brahmins or the upper-caste people. वास्तव में तो यह मान सम्मान की लड़ाई है, न मजदूरी की लड़ाई है, न खाट पर बैठने की लड़ाई है, न मंदिर में जाने की लड़ाई है, न फसल लूट की लड़ाई है। यह कोई बात नहीं है, बात है मान और सम्मान की। For landlords, the meaning of pratishtha is their hegemony in the society. For centuries, they had this power over the lives of the other toiling people. The ingrained feudal values, where you have got control and command over the lives of the others who toil under you. That command is the matter of pratishtha and privilege. कहीं इज्जत का सवाल बना दे, चाहे प्रतिष्ठा का सवाल बना दे, चाहे जो बना दे, ये अपना मन का मनगढ़ंत बात है। कहीं कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई इज्जत नहीं लूटता है। The meaning of pratishtha for ordinary people is that the women, when they go to fetch water, when they go to work in the field, should not be abused, should not be molested by the landlords. If a Dalit is sitting on his own cot when a landlord is passing through the street in front of his house, the landlord should not have the right to make him leave the cot. Salat, Radhi and Charpai pe baithe hain. If they give a good name to their kids, this is something indicative of the real situation in the society. What are the names Dalits are forced to keep for their kids? Phekni, Bigni. Phekni, Bigni means the one who's thrown away. Bhura, Budhua. Sanichara, if they give a Sanskritized name, which has some meaning to their kids, the upper caste people don't tolerate it. Sala, Janat Singh naam rakhega, they don't tolerate that. So the same word has got diametrically opposite meanings. For one class, it means their potential and capacity, their basic right to oppress others and subjugate others. That is the meaning of pratishtha for them. For working class, not to be oppressed and not to be subjugated, to be dependent and free. That is the meaning of the word pratishtha. आज तक जिस तरह से मान सम्मान के न रहते हुए हम लोग मतलब कि पीटे जाते रहे, आज तक पीटे जाते रहे सामंतों के द्वारा, सामंतों की पैर की जूती बने रहे, हम लोग उस स्थिति को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जिस तरह से पैर की जूती बने रहे, हम वैसा पैर की जूती बने रहे। एक लड़ाई है जायज़ है, एक लड़ाई है जो नाजायज है। और इज्जत जब मैं कहता हूँ तो हमारी कोशिश ये नहीं है कि भाई जो सामंती वर्चस्व है उसको कम करके आप पूरे यहाँ दलितों का वर्चस्व कायम किया जाए। लेकिन कोई अगर ये समझ लें कि भाई गरीब लोग भी वोट डालेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इस समाज में आगे बढ़ेंगे, इसी से अगर किसी के इज्जत को नुकसान पहुंचता है, तब तो ऐसी इज्जत को हम बचाना नहीं चाहिए। In Barui village, the Musahas, who are the lowest rung of the Indian caste system, I have seen them with great confidence moving around, going to the tolas of Bhumiyas, and then sitting on the cot. They were given the tea by the hands of the Bhumiyas, who the same hands which served me. Unimaginable 20-25 years before. सबसे ज़्यादा प्यास लगे रहेगा वही में पानी के नज़दीक जाए, तो सबसे उत्पीड़न तो दलित को ही है। सबसे क्रांतिकारी तबका वही होता है जो सबसे उत्पीड़ित होता है, और इसीलिए दलित सबसे आगे, उसके रहना स्वाभाविक है क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न उसी पर है।
और इसीलिए हम लोगों के यहाँ जो हमारी जो नक्सलवाड़ी की लड़ाई, सबसे पहले दलित लोग ही उठ खड़ा हुए। पार्टी हम लोगों को यही सिखाया है कि आप अपने हक के लिए कभी पीछे न हटिए, हक के लिए, हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहिए, कि जब तक ये राज सत्ता आपके हाथ में नहीं आ जाता, मजदूरों के हाथ में नहीं आ जाता, गरीबों के हाथ में नहीं आ जाता, तब तक आपकी यही स्थिति रहेगी। I think this movement, if it brought about one thing, was that a sense of self-confidence, sense of self-pride, well, real, I mean, and understanding that no, this is not a given thing, the society, that somebody will call me by four-letter words every morning. I have a right to be called with respect. Mature because it has very strong rural roots, and this is proved by two things. Number one, very large involvement of the people. Number two, state along with the landlords have been trying to combat the movement and finish it off for decades. You had an organization trying to come into being, and there are panic reactions from people because they are speaking about taking away land, they are speaking about taming, they are trying to take away the power, they are trying to shed that power, shred it into bits. So just imagine the psychological mold of a person, you know, who has thousands of acres of land. Now somebody comes and tells him, now we are going to take away all this, we'll leave only 10 acres to you. Just imagine what he'll do. He has the power, he has the land, he has money, he has the people with him, he has the caste with him. And this is a person whom he yesterday treated as a menial, who he could kill, he could maim, he could do whatever he wanted, physically exploit him. And this person having the cheek to come to him and telling him that, the first response would be to kick him out. Jo Naxalwari ki pukar thi, jo mang thi, ki satta aise hi nahi badli jab tak pure gareeb log haath mein hathiyar nahi uthaye. Agar bandook udhar se aayegi to bandook ka jawab bhi bandook se dena. ये जो वायलेंस पर जो मोनोपोली था इन लोगों का, जो एकाधिकार कानून की सत्ता का था, लोगों ने कहा कि वायलेंस पर इस मोनोपोली को हम ख़त्म करें, अगर वायलेंस के जरिए हमें दबाने की कोशिश होगी तो हम भी वायलेंस के जवाब वायलेंस से, और ये पूरे आग की तरह फैल गए उग्रवाद प्रभावित होने से। और लड़ाई हो ही रहा था, कहीं उधर गोली चल जाए, कहीं उधर गोली चल जाए, कहीं किसी का हत्या, कहीं किसी का हत्या, रास्ता चलते हत्या होता था। सवेरे में चल गया, घर से निकल गया, शाम को घर आएगा कि नहीं, सब था, अपने आप में सख्त था, बाहर का आदमी तो यार एकदम नहीं। एक गांव में जहां 500 विधवा बैठी हो, 500 लोगों की हत्या हो जाए और क्रांति के नाम पर हत्या हो जाए, हत्या कौन सी क्रांति है भाई? भारत में किसी जमाने में या स्टालिन के ज़माने में वहां रहा होगा, भारत में और हत्या की क्रांति यही तो एक बारी में हुआ है। मैंने सैकड़ों हत्या इस गाँव में हुआ है, क्षेत्र में तो कहना नहीं, क्षेत्र में तो बुझा रहा है कि 500 हत्या नक्सलियों के द्वारा हुआ दिया। 1971 से करीब करीब समझिए कि 93 तक हम लोग ग्रसित रहे, पुलिस भी उसके सामने छेवना टेक दिया। क्या मिला एक बारी को? यही तो मिला है कि मांग उजड़ी हुई विधवाएं पड़ी है, पुत्र विहीन पिता पड़ा है, बेटा विहीन माँ पड़ी है, यही तो एक बारी को मिला है। यही क्रांति है कि सिंदूर उजड़ जाए, यही क्रांति है। आज वो उसी क्रांति का प्रतिफल है कि बाथे बथानी टोला यार सेनारी सब कुछ तो उसी का देव है। कुछ दिन के बाद आंदोलन का रूप था वह उग्र हो गया और वर्ग संघर्ष के राह को छोड़कर वर्ण संघर्ष के राह पर चल गया, जिसके चलते किसान भी आक्रोशित हो गए, मजदूरों को बेवजह किसानों से लड़ाना शुरू किए, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर नहीं। रास्ता विचलित हो गया और उसी कीचड़ का उत्पन्न कमल रणवीर सेना है। Power, political power, social power, economic power, cultural power, bureaucratic power, intellectual power,
judicial power, all the powers were centered in the hands of upper caste people. Now there is emergence of a strong backward or OBC political force. Therefore, the caste equilibrium has undergone some kind of change during the last 15-20 years. हम लोग जीवन भर बूट पटकते रह जाते हैं, सिपाही से हौलदार नहीं बनते हैं, लेकिन वही पिछड़ी जाति का जो लड़का भर्ती होता है, वह बहुत ऊंचे रैंक पर से रिटायर होता है। तो जो मान सम्मान के लिए हम आपके गांव में जन्म लिए हैं, आपके गांव में आए, तो हमारी मान सम्मान की रक्षा वहां पर नहीं हो रही है। नौकरी में भी बहुत डिस्टर्ब हो गया, इस चलते बेरोजगारी भी बहुत अधिकतर बढ़ गया, और बेरोजगारी बढ़ गया है तो इसी के चलते अब कोई आता है तो दिखा देता है कि राइफल धरा देंगे तुमको। ऐसा एज होता है नवजुवक का, मतलब जो पढ़े लिखे नवजुवक है उसका एज ऐसा होता है कि उसको पैसा के लिए झुकने पड़ता है, न उससे हाथ जोतेबे नहीं करेगा, कुदाल चलबे नहीं करेगा, इसके चलते वो मतलब उधर कोई पार्टी द्वारा मतलब झुक जा रहा है, कोई डकैती में चल जा रहा है, कोई लूट कर रहा है। द इमर्जेंस ऑफ अदर क्लासेस और कास्ट मींस दे आर गिविंग अवे पावर्स, सो दे आर मोस्ट रिलक्टेंट टू गिव अवे एनी पावर, ऑल्दो दे हेल्ड इट डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर एक्चुअल नंबर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। देयरफॉर देयर इज द बॉडी ऑफ caste coming to the fore in Bihar. Now after 1990, the shift has been that whereas the politics was controlled by the upper caste groups of Bhumiyas, Rajputs, Brahmins and Kayasthas earlier, now the upper castes are from the backwards, the actual upper castes, the Yadavs, the Kurmis, the Koiris and the Paswans. So one set of powerful politicians go, the other set of powerful politicians from backward communities come. They are the elite today. People took some time to realize the importance of their vote. In 20 years, they realized vote is a potential weapon. Now, this potential weapon can only be useful if you can produce proper caste combinations. So the backwards started uniting. Therefore, what you find is that the change in caste system is basically the change in the political power balance in society. Bolta hai jungle raj hai, backward ka raj hai, pichhda ka raj hai. Laloo could do this caste thing and work out a completely new strategy of politics aggressively on the caste line precisely because of the mandal. Laloo, despite all his abilities, would have not achieved this kind of mobilization and coalescing of all these backward castes had this mandal thing not been there in the scene. So this one move by VP Singh and the statues that brought the mandal gave such a solid base for Laloo-like personalities to translate it into a massive political mobilization of the caste lines. That was the focus around which he could, you know, conjure image of a new society now that you will now get reservations, you will now have these things for yourselves. लालू जी मतलब समझिए कि उग्रवाद का जन्मदाता बन गए। मंडल आयोग जब लगा उसके बाद वो बोले कि भूरा बाल को साफ करो, तो भूरा बाल में हम लोग उच्च वर्ग के आ जाते हैं, चार जाति, हरजन के मतलब गरीबी मिटावे के नाम पर हरजन को पूरा सपोर्ट करने लगे, उसी तरह से क्रश होते चले गए, बेरोजगारी बढ़ते गया धीरे धीरे, कुछ लोग रणवीर सेना में बन गया, कुछ लोग डकैती चोरी करने लगा। नौकरी मिलेगा नहीं, खेती करने जाते हैं तो वहाँ पर हत्या ही हो जाएगा, तब तो खाली माथा शैतान का, तो जरूर वहाँ पर तो कुछ तो जरूर हम लोगों का जनरेशन उग्रवाद की तरफ जरूर बढ़े। हम लोग चाहते हैं कि इसको रोका जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सर, पूरा जनरेशन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अब तो लाचारी है तो ये क्या रास्ता ना बच गया कि हथियार उठाइए चलिए। रणवीर सेना का जन्म कैसे हुआ? जन्म तो समझिए तो दहशत खाली फैलाने के लिए कि अब जितना नौजवान था सब मैंने ये गुट बनाया और बोला कि चलो फलानवा के 10 गो के मर्डर कर दो, इतना ही से मैंने हम लोग मैंने ये सब मैंने डर जाएगा, हम लोग को मैंने जो हम लोग थे वही रहेंगे, कोई भी चाहेगा कि हम अपना हक छोड़ दें। वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड the rise of Ranvir Sena is that in the last 10 years state is not investing, state is not subsidizing agriculture. Now the group who are the social base of Ranvir Sena, they had really brought about
agriculture or green revolution in Bihar. The rate of return in agriculture has diminished in a place like Bihar. Now, because of diminishing rate of return, a significant section of the Bhumihar community or upper caste community, they feel alienated from the state. Now, when the state is not a functioning state, you need to develop an alternative system of protection or of oppression. Ranvir Sena is some sort of an answer to those conditions where state has practically withered away. हम लोग वो स्थिति भी देखे हैं कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल हिंजरा हो गया था, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। तब हम लोगों ने सोचा कि बगैर बाबा रणबीर का आप सहारा कोई नहीं है, हथियार उठाए और अपने मान स्वाभिमान की रक्षा रणबीर बाबा ही कर सकते हैं, यह हिंजरा प्रशासन सरकार नहीं कर सकती है। केवल टैक्स लेती है हम लोगों से, जमीन का मसूल लेती है, मलगुजारी लेती है, लेकिन उस जमीन को बंजर बनाता है उग्रवादी, तो उसको खदेड़ने में सक्षम नहीं है। एनी पर्सन हु इज अ बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इट बिकेम एनिमीज बिकॉज देयर वाज अ साइकोलॉजी व्हिच ब्रॉड बैंडेड दीज कास्ट्स। ऑल दोस पीपल हु आर नॉट ऑफ आवर कास्ट एंड दोस कास्ट व्हिच आर लैंड ओनिंग आर विद द एक्सट्रीमिस्ट, सो वाइप देम आउट एनीवेयर यू कैन एंड देन गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट where politics is defined by the arraignment of the number of castes on one side or the other. कानून व्यवस्था नाम की परिकल्पना ही जब मिट जाएगी तो लोकतंत्र में आस्था लोगों को रहेगी। किसान शांतिपूर्वक जीना चाहता है, कानून के तहत अपनी इज्जत आबरू की प्रतिष्ठा की रक्षा चाहता है और वह यहाँ नहीं मिल पाता है। तो मैंने पहले उन लोगों को एकत्रित किया जिन लोगों के ऊपर ब्लॉकेट की घोषणा थी, नाकबंदी की घोषणा थी भोजपुर जिले में, किया और यहाँ एक मीटिंग कराया। यही से वही एक गांव है और मैं वही व्यक्ति हूँ जो इस संगठन को ऑर्गेनाइज किया। कठिन दौर में जीने के लिए संगठन जरूरी है तो चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए। जो दबंग है उन लोगों की एक नीति है, जब वो संकट में पड़ता है तो जातिवाद का नारा दे करके वो अपने जाति को गोलबंद करना चाहता है और बार बार इसमें सफल भी हुआ है। उस जाति के लोग विरोध करते हुए भी वो गोलबंद हो जाते हैं। हर आदमी महसूस कर रहा था कि संगठन का जरूरत है, तो हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हम लोग जीने नहीं देगा, खेत लूट लेगा, खरिहान लूट लेगा, जान मार देगा, तब आखिर किसे रहेंगे हम लोग। तब तक बेलार में हो गया जनजाति, एकत्रित हो गए हम लोग और वहीं से अपना चंदा होने लगा, नामकरण हो गया रणवीर किसान महासंघ और वहीं से बढ़ने लगा। रणवीर वो है जो कोर्ट में ना गए सरेंडर करे, स्पीकर ना गए फोटो खींचवा। Particularly about Ranvir Sena, this is said that was more a result of the excesses which perhaps CPML movement started doing. बात करेगा रणवीर बाबा उसकी ही इज्जत को उसी तीव्र गति से बर्बाद करेंगे और कर रहे हैं। I think it led to a feeling among whichever caste constitutes Ranvir Sena that I think it's now we have pushed too much up to the limit, we got to react and survive. Perhaps primarily the feeling was that an injustice is now being done to their caste men just because they belong to that caste and hence a survival strategy. Pure Bhojpur ka kisan andolan mein utar jayega aur Bhojpur se aapka sahaya ho jayega. 40 saal se yahan hatya ki rajneet kar raha hai, acche acche logon ko chun kar hatya kiya hai. Bhojpur mein to hazaron hatyaye hui hai. हर गांव में दो चार पांच विधवाएं मिल जाएंगी जो मालिकों द्वारा किया गया है, लेकिन कौन सा काया पलट गया उन मजदूरों का? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, एक नफरत का दीवार खड़ा हो गई और कुछ नहीं हुआ। द प्रॉब्लम इज दिस, मोस्ट ऑफ दोज हु जॉइन योर रैंक्स आर नॉट दोज हु आर जॉइनिंग यू बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल कन्विक्शन एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए आइडियोलॉजी, नो। Most of them have joined you to get their own private, personal or family problems solved. You take revenge with a caste. Any people belonging to the same caste vulnerable, you just kill and you say, badla le liya. Innocent women, children, people, you can kill. But if you do justice, then you catch the culprits. You identify the culprits. You catch them, you punish them. You put them before a people's court and trial and whatever you do, it's immaterial, you shoot them or do whatever. But the most important thing is culprits, not innocent people. After all, you, in no condition, by any
yardstick. You cannot say that all the Bhumiyars are reactionaries and all the Bhumiyars are feudal and all the Bhumiyars deserve the capital punishments. And all the Dalits are innocent. I don't go by. जो हम लोग कर रहे हैं सरकार को करना चाहिए. सरकार अगर कमान संभाल ले तो हम लोग आज हथियार बेच देंगे. क्या जरूरत है? हमारे जान माल का रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, करो. काहे हम हथियार चलाएंगे? क्या जरूरत है हमको हथियार का? हमारी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, हम 50,000 का हथियार खरीदेंगे? क्या जरूरत है हथियार का? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. तो जब एक निर्दोष शिक्षक जो सभी जाति धर्म के लोगों के बच्चे का भविष्य बना रहा है उसको रास्ते में अपहरण करके उसकी हत्या कर देते हैं, उसी के एवज में किसान परिवार भी सोचता है कि अब उस शिक्षक से निर्दोष कौन व्यक्ति होगा, और उसी आक्रोश में चाहे वह बाथे हो, शंकर बिगा हो, चाहे कोनो बिगा हो, यह रुकने वाला नहीं है. हम तेरे एक एक बूंदा सू की कीमत चुकाएंगे. जहां जहां तेरी एक एक बूंदा सू गिरी है वहां हम कम्युनिस्टों के खून से धो देंगे. इतना भयंकर नरसंहार होगा दुनिया नहीं कभी देखी होगी नहीं सोची होगी. रणवीर सेना बनाने का मकसद यही था कि इन लोगों को यहीं पर उलझाया जाए, खास करके लालू के नेतृत्व में माले को आगे बढ़ने से उलझाया गया. I don't really think that Laloo was the originator of this. It is irrespective of Laloo. That was happening as a response to the way the extreme left movement was growing, maturing, or perhaps degenerating. And if when they were moving on to extreme to now hit even those who may not be in any way defined as classical type oppressor, I think people started reacting to re-establish their authority, etc. So what I'm saying is that this dynamism is going on, and you know, and one came up, failed for various reasons, another came up, failed, and then ultimately you see the emergence of Ranvir Sena in that process. Well, but there is this rumor which goes to say that, all right, well, these are there, they are emerging and dying on their own. When Laloo comes on the scene, then he tries to patronize some, he tries to protect some, he tries to get advantage from them in the elections because of the caste configuration. The others were gaining from both sides. They also got a vested interest in creating or maintaining this situation. So while playing neutral, they in fact only forced the dynamics of the situation or provided them more momentum to stay as it was. So it was politically, economically, both beneficial to the Yadav or the middle groups, which were not directly involved in this. Bihar ka bahar tum, Dalitoon ka adhikar tum, Janjan ka pyar tum, aye Laloo Dikkat sarkar tum, aye Laloo Sampurna Bihar tum. And whatever you see today in Bihar, all that Laloo is making use of to wield all the power, to hold it, the total credit basically goes to the Naxalite movement. Because of them, the Dalits could come up, could stand, be counted, be politicized. हमेशा कोशिश की गई है बंदूक के नोक पर कि माले छोड़ दो, लाल झंडा छोड़ दो. तो कभी लोग कहते हैं लाल झंडा छोड़ दो तब तुम्हें पक्का मकान दिया जाएगा, लाल झंडा छोड़ दो तब तुमको लाल कार्ड की सुविधा दी जाएगी, कभी कभी लाल झंडा छोड़ दो नहीं तो जनसंहार हो जाएगा. जनसंहार, सरकारी दमन और साथ साथ हर तरह का प्रलोभन, ये सब कुछ को थता बताते हुए लोगों ने यहाँ लाल झंडे को बुलंद रखा. लालू प्रसाद बोले थे कि माले को हराने के लिए मैं नरक की ताकतों से भी समझौता कर लूँगा, और लालू का उस समय शासन था, वो नरक की ताकत से समझौता किए और गरीब पर इतनी गोलियां चल रही थी कि कार जो है टूट टूट करके गिर पड़ा है, और पुलिस जो है यहाँ पर सिर्फ मुख देखती रही, मौन होकर के देखती रही, और रणवीर जो है कहा जाए कि पूरे भोजपुर में इसी तरह से पसर गए. वह सत्ता में बैठे वाले लोग सामंत को कोई कानूनी रूप से मदद करता है, कोई गैर कानूनी रूप से मदद करता है, कोई हथियार के जरिए कुचल देने के लिए, क्योंकि ये तो सारे लोग जानते हैं कि रणवीर सेना के उत्पत्ति किया भाजपा ने, लेकिन उसका पालन पोषण करने में राजद भी कम नहीं रहा. कांग्रेस वाले भी जहाँ जगह जगह पर वो अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करते, सत्ता के समर्थन खत्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के पास वो शक्ति है, या रणवीर सेना
तीन दिन भी नहीं रह सकता। या तो सरेंडर करते या नहीं तो सफाया हो जाता। हम लोग स्वीकार कर लिया कि भोजपुर से मारे पर रणवीर सेना का या राष्ट्रवादी किसान महासंघ का विजय पताका भर गया। हम लोग सेमीफाइनल जीत गए और फाइनल में पहुंचे हैं जिसका सहोदर भाई एमसीसी और संग्राम परिषद सामने खड़ा है। हाँ, रणवीर सेना का ये घोषित नीति है, उसका मैनिफेस्टो है कि वो माले को, सिर्फ माले को नहीं पूरे लाल झंडे को भोजपुर से, पूरे बिहार से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए ये तो कोई बैलेंस ऑफ टेरर की बात नहीं है, ये पूरे माले को एक्सटर्मिनेट करने के लिए, लोगों को टेरराइज करने के लिए ये पॉलिसी है। So when the Reds and Saffron fight, it can only be an advantage for the Green, that is his own party. So let them fight. So when they fight, we can always say they are the troublemakers. See, Bhojpur is turning red and this is because of the BJP and the CPM. So in between, all those neutral people who don't want violence will be with us, apart from the caste which I hold. So he let it go. So the ban did not take effect. The situation drifted to such an extent that everyday people were being killed. जो रूलिंग पॉलिटिकल क्लास है और यहाँ के रणवीर सेना जैसी निजी सेना, उसके बीच में एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है। और इन लोगों को लगता है था कि भाई जाति के नाम पर, किसान के नाम पर हम बहुत लोगों को भड़का पाएंगे और बहुत लोगों लोग हमारे बहकावे में आ जाएंगे और तब कास्ट वॉर टाइप अगर बन जाएगा तब इस आंदोलन को दमन करने के लिए और भी बड़े पैमाने पर स्टेट टेरर थोपने के लिए हमें एक रैशनल मिल जाएगा, एक ग्राउंड मिल जाएगा। तो इसलिए ये कहिए तो एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इंस्टेड ऑफ कर्बिंग दीज मिलिशियाज, द थिंक टैंक ऑफ द पुलिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच वाज लेड बाय डीजीपी एसबी सहाय, ही रोट अ पॉलिसी पेपर एंड ही सेड the militias are actually a response, these are response groups to the growing activities of the extremists. So it was being condoned. And therefore he gave a whole theory of forward policing in which he said police should not shun encounters. He's on record having said that. Police should not shun encounters. When S.B. Sahai was the DGP, Bindeshwari Dubey ordered that arms be supplied to the landed groups to defend themselves against extremists. So that created another cycle of hatred. Jitne is tarah ke khurfati ghuswami hain, unka license sarkar rad karegi. Ye jo astr diya gaya, sampatti jiske jiske paas tha, usi usi ko aur usme bhi jiska charitra swachh tha, उसको लाइसेंस सरकार दी। तो निम्न जाति के लोगों के पास संपत्ति कम थी, वे बेचारे रोटी और नमक जुटाए कि राइफल और बंदूक का लाइसेंस कराएं। सरकार तो इसी तरह से बांटती नहीं है, राइफल और बंदूक में कोई आरक्षण तो है नहीं कि आरक्षण के नाम पर भी दे दिया जाए। सरकार तो यही महसूस करती है कि दलितों के पास कुछ नहीं है, ना सम्मान रहना चाहिए ना उनकी ज़िंदगी है। सरकार तो समझती है कि दलितों का जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि भाई दलितों के पास सब कुछ है, पूरी ज़िंदगी है, पूरा एक इंसान के बतौर जिंदा रहने का पूरा अधिकार है। और उस अधिकार की हिफाजत के लिए अगर हथियार की ज़रूरत पड़े तो हथियार भी। एक बार हम लोग संगठन जब प्रथम चरण में चालू किए, अब हम लोग निकलते थे कहीं से दूसरे गाँव में जाने के लिए तो घेर लेता था, पाँच पाँच सौ हथियार लेकर के घेर लेता था। लेकिन हम लोगों के पास जो दस गो अपना लाइसेंसी हथियार था उसी से उसका मुकाबला कर रहे थे। बहादुर नहीं ना है वो, हम लोग इतना निशा रखते हैं कि उसको राइफल होगा तो लाठी से मार करके छीन लेंगे। वो लड़ाकू जात नहीं है, लड़ाकू जात तो यहाँ पर विभिन्न ब्राह्मण राजपूत जाधव और उसे भी लड़ने का इसको बोल का है। जो हथियार का रास्ता है रक्षा के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उस रास्ता को भी हमने छोड़ा नहीं है, बल्कि उस रास्ता को और व्यापक बनाने की हमारी कोशिश है। हमने इसलिए मांग भी उठाई है कि जो सरकार खेतिहर मजदूर गरीब लोग उनकी ज़िंदगी की न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकती है, तो सरकार को चाहिए कि वो गरीब लोगों को मुफ्त में लाइसेंसी हथियार सप्लाई करें।
guns in the hands of the landlords, at the same time the police guns helping them, created much more confidence in the landed gentry that they could, you know, get away with anything, which created more violence. And more violence meant it had to be retaliated for. And if the left does not retaliate, the influence of the left would go down. So in every case where the landed gentry hit back, it became a mission for the left to hit back too, to retaliate as soon as possible. Ranbir Sena seems to have a very strong backing of the bureaucrats and police. Secondly, it has a strong financial backing of Bhumayar community, because this community is quite prosperous economically. They are a feudal community by and large, so they extort money at a very large level, with cooperation of some people and without cooperation of people, both ways. The administration, if at all, started siding with some of them was more because of the politics from above. When they were getting signals, that is what they have to do. And it is the politics which is really setting the agenda for how the administration will behave. So if the Ranvir Sena people have a better link with the powers that be, and because of that the command and signal goes to the administration that they are to be supported, maybe the administration will function in that direction. After each massacre, when the hunting starts, those hunted are Naxalites and never the private army person. Never. तो जनसंहार को पहले होने दिया जाता है। उस समय पूरे पुलिस संरक्षण में जनसंहार होता है। और जनसंहार के बाद पूरे वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होता है। इसको रोकने के लिए कि गरीबों की ओर से, कमजोर लोगों की ओर से कहीं कोई रिटेलिएशन ना हो। और जेल के अंदर भी हम पाते हैं कि अगर रणवीर सेना के भी कुछ समर्थक गिरफ्तार कर लिए गए तो इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जनसंहार के बाद जो आम गरीब लोग हैं, इन लोगों को केस में डाल दिया जाता है। जुडिशियरी में जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, उनका निश्चित रूप से सहानुभूति रणवीर सेना की ओर रहता है, चाहे वो वकील हो, न्यायाधीश हो, हाईकोर्ट जज हो। ये तो मैं रोज जब बार लाइब्रेरी में बैठता हूँ, एडवोकेशन में बैठता हूँ, तो वहाँ मैं पाता हूँ कि उनका रुझान उनके तरफ है, वो उसको समर्थन देते हैं। नैतिक नहीं, अगर धन से और शस्त्र से समर्थन नहीं देते हैं तो एक नैतिक समर्थन तो देते ही हैं। द अदर थिंग इज द जस्टिस सिस्टम हैज टू बी कम्प्लीटली ओवरऑल समरी ट्रायल्स बाय इंस्पेक्टर्स। Going into the villages, arresting someone, beating him up, hanging him upside down, taking off his nails, beating him to death. If these repressive things don't stop, then they will have their Jan Adalats. They will kill whomever they want to kill. जब भी नरसंहार होता है, तो पुलिस ऐसे लोगों को केसेस में फंसाती है, जिनका उन मुकदमों में, उन नरसंहारों में कोई हाथ नहीं रहता है। ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है पूरे जुडिशियल सिस्टम में, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। There is a general list with Ranvir Sena. Something happens in this area, name these 40 people, 50 people, 200 people from the ML. If something happens in a ML village, the ML already has a select list which they would have otherwise wanted to eliminate. Now they name over 200 people and their kins. They have a select list ready. If there is a massacre, put these 200 people. They all will be arrested. एक आदमी की हत्या होता है, उसमें 200 लोगों को पकड़ के बंद किया जाता है, और नरसंहार में तो 200-400 लोगों को पकड़ के बंद किया जाता है। When these guys goes to jail, actual people are never caught on either side. The squads do it and leave. The Ranvir Sena squads do it and leave. The rest of the people are caught, and it creates more adherence, you know, more fast adherence for either side. छत पर कोई लड़का खेल रहा है छोटा, छत के नीचे बकरी चर रही है, कहीं लड़का फिसल कर छत पर से गिर गया और बकरी का सिंग उसके पेट में धंस गया और लड़का का वहीं पर मौत हो गया। बताइए दोषी कौन है? बकरी दोषी है? दोषी लड़का है कि छत पर से गिरा? दोषी बकरी नहीं है। हाल वही है कि दोषी वह उग्रवादी संगठन है और किसान बकरी के रूप में नीचे चर रहे हैं। उग्रवादी गिर जाता है, पेट उसका फट जाता है, वह मर जाता है और यह हिंजरा प्रशासन उस बकरी को जेल के अंदर बंद करता है। अंतर इतना ही है। डकैत आ रहा है लूटने, डकैत लूटता है और डकैत को हम मारते हैं, तब क्या हिंसा उसको कहिएगा?
क्योंकि जुर्म उत्पीड़न का खिलाफ लड़ना वो तो एक धर्म है। अगर इस बात को कहे कि अन्याय के खिलाफ, तो महाभारत हुआ था, उसको आज तक तो किसी ने हिंसा क्यों न कहा? कोई नहीं कहा कौन हिंसक है। अन्याय के खिलाफ लड़ना वो कहीं हिंसक कैटेगरी में नहीं आता। इफ द पीपल इन द स्टेट आर स्टिल गोइंग टू साइड विद सर्टेन सेक्शन, whether it's because of corruption or whether it's because of their caste weaknesses or because of connections from above, so long as that's going to happen, we got to have a pressure from below. But I'm not advocating that the pressure should be raised by this kind of, you know, completely directionless, mindless violence. But these ultra-left groups are the ones who are closest to poor people. If they can change their worldview, if they can understand that the state is a force, is a necessary factor in the process of change, because till today no other political party can ever parallel them in their commitment to reach to poor people. Only problem is that they're reaching with completely distorted and perhaps at the moment bankrupt view. बड़े पैमाने पर तमाम गरीब लोग जरूरत पड़ने पर हथियार, और इस तरह से जब पूरे गरीब संगठित हो जाएंगे, जरूरत पड़ने पर हथियार उठा लेंगे, तब इस तरह के छोटे छोटे स्क्वाड्स की जरूरत नहीं रहेगी। उसको ख़त्म करते हैं, साफ है कि न रहेगा ना कोई बदली लेगा। एक कमारेंगे तो 10 कमारेंगे हमने। यदि इस संगठन के साहस को कोई सरकार या उग्रवादी संगठन देखना चाहती है तो क्रिया करके देखे। आपकी जो प्रतिक्रिया होगा वह बाथे से भी चौगुना होगा, जिसको देखकर नेता अपने घर में हार्ट अटैक उसका कर जाएगा और वहीं पर वह लुंगड़ा जाएगा। इस तरह का खूंखार आतंक मचेगा अब की बार के क्रिया में कि इसको देखकर परमात्मा भी रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एमएल पार्टी जो है वो कुछ कुछ हिंसा की वारदातें कर दिया करती हैं ताकि वो चर्चित रहें। इन हिंसक वारदातों के चलते रणवीर सेना ऐसे प्राइवेट सेना को अस्तित्व में रहने का एक आधार मिल जाता है, एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है। इसलिए हिंसा की आवश्यकता कुछ हद तक दोनों को है। पश्चिम बिहार में वो अपने आप को लोग अभी कहते हैं कि एमसीसी के बंदूक के निशाने पर कौन लोग है, the CPIML feels that we cannot thoroughly disband because we need to fight the people's war. We need to face the MCC. We need to face the class enemies, as it calls. We have to do select eliminations. How can it? So violence is a, what do you call it? It's a must. समाज को क्या मिलता है इस चीज से? कौन सी यह क्रांति है? कौन सा यह परिवर्तन है? जरा सोचे भाजपा माले, जरा सोचे एमसीसी, यह जो क्रांति है वह गलत क्रांति है। गांव में क्रांति होनी चाहिए बिजली के लिए, गांव में क्रांति होनी चाहिए शिक्षा के लिए, गांव में क्रांति होनी चाहिए औद्योगिकरण के लिए, कृषि का औद्योगिकरण हो जाए। गांव में क्रांति होनी चाहिए मजदूरों के दशा सुधारने के लिए, न कि हत्या के लिए। क्रांति हो तो यह क्रांति अच्छी क्रांति नहीं है। हाउ डू यू इंश्योर अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस? योर विलेजेस डोंट चेंज, द डर्ट एंड द अनहाइजीनिक पार्ट इज देयर। No, what have they done at the local levels? Even in the villages they control, have you taught them how to live in a hygienic atmosphere, control their lives properly, you know, collective farming or something? They have not been able to do that. This particular movement was showing signs of, you know, fatigue, if I can use this word, or perhaps loss for the ideas. उनका लोग से बतियाला से लगे लेकिन 200 साल ये आंदोलन में रहला से आखिर कुछ मिलल कि ना मिल। They were not capable to create new grounds of mobilization and deliver different things beyond Ijjat. It is because of this that the Laloo phenomena was able to take advantage of it. Whatever development has come ironically in Janawad is through massacres. A village gets massacred and there is a school is assured, roads are assured because the police has to get into that village. The first time the police and the bureaucrats and the chief minister goes, it's so bumpy that next time if they have to come, they fear, you know, what will happen. इलाके का विकास किया जाएगा। सारे लोग लालू जी का हुक्म है, इलाके का विकास करो, रोड बनाने का, पानी देने का, नहर से पानी देने का, ये सारा का सारा हुआ। साल तीसरा हुआ, कहाँ अभी तक रोड देखे? तो आप सुन से आए हैं, अगर रोड रहता तो बालू में के गाड़ी कूदाता। तो वही से बुझिए कि सरकार कितना में बिहार है।
So massacres which have brought development to these villages, rather than the left giving them something. And you'll find, you know, in every massacre village, it is better than the surrounding villages. To link this area, some other villages might get a road, which they will share. But their houses are shanties. There is no access to other villages directly. People die. And after death, they can have a home, they can have a road, they will have a school, they will have developmental work. Some people will get jobs, government jobs, which they would have never dreamt of. Sarkar ki najaron mein hatya do kism ki. Brahman ki ho, to sarkar mithai baanti. Aur ek harjan bhai ki hoti hai, to roti hai, kyunki harjan murkh hai. Janega ki sarkar hamare upar aansu baha rahi hai, to vote de dega. Lekin Brahman budhiman hai, वह आंसू बहाने पर वोट नहीं देगा. इसलिए कार्रवाई दो तरफा ना होकर एक तरफा हो रही है. मेरे गांव में बहुत भारी कांड हुआ. एवरी मैसाकर इज अ पॉलिटिकल पॉइंट. अफसर भूमियाज वर किल्ड. लालू प्रसाद यादव डिड नॉट गो देयर. राबड़ी डिड नॉट गो देयर. इन मियापुर व्हेन यादव्स वर किल्ड, द बीजेपी डिड नॉट गो देयर, द कांग्रेस डिड नॉट गो देयर, बट द आरजेडी वेंट. लालू यादव वेंट. टुडे ऑल विलेजेस हैव बीन सीग्रीगेटेड. They have been isolated as caste villages. यहाँ तो लालू राबड़ी सरल यादव मुलायम सिंह जो पंडालिस बुझाए थे, पसवान जी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, बहुत सारे नेता आए. वो कह के गए कि हाई देंगे तो वो देंगे, बिजली देंगे तो टेलीफोन देंगे, तो रोड देंगे, तो गांव के लिए सुरक्षा देंगे. तो कहाँ दिया? बॉडीगार्ड के लिए बोला था, कहाँ भोसले वाला दिया? कहने में कुछ लगता है आदमी, आदमी जितना बादल ऊपर छा देता है, गरजता है तो लगता है कि साला के पानी से एकदम दहल जाएगा. Everybody wants Dalits now because all the other castes have already been shared. They won't go anywhere. But the cutting edge has to come from somewhere. And it's the Dalits who are illiterate, who do not know how to vote. Where do they need the Dalits? The Dalits are needed only at election time. Earlier election time, only because they should not vote, but Dalit vote were needed. Now, Dalit should vote, but as per a certain political preference. Dalit is a pawn in the hands of the left, it is a pawn in the hands of Lalu's Garib Railas, it is a pawn in the hands of the BJP, because they know 23% of Dalits, they can matter. Whereas they are trying to pick off some percentage from each caste which are minuscule in compared to Dalits and the most backwards. If the most backwards and the Dalits come together, the OBCs come together, they form 49%. Who can defeat them? पहले लोग इन लोग हम लोग कुर्सी पर चाहे टेबल पर बोलते थे चाहे खटिया पर बोलते थे तो हम लोग आते थे तो मतलब जब हम लोग हट जाते थे. आज जब हम लोग पढ़ गए लिख गए शिक्षित हो गए तो हम लोग नहीं हटते थे. इसी का विरोध में काम कि हमको बाबू साहब मतलब जब आए तो आप खटिया छोड़ के हट जाए, भीत रहे चाहे ना तरह, तो तुम भी आदमी के बच्चा है, हम भी आदमी के बच्चा है, तो साला हट जाएंगे काहे के लिए? तू तो कोई बाघ वो नहीं है, हम बकरी हैं कि भाग जाए डरे खा जाएगा. यह संगठन का दिन है कि आज भोजपुर में जो बीमारी थी वह समाप्त हो गई. आज हर किसान गौरव के साथ कह रहा है कि हम किसान हैं. हर जाति के लोग कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं. नहीं तो उस समय सभी उच्च जाति के लोगों के मुँह पर ताला लग गया था. कोई डर से नहीं कहता था कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं. क्या उच्च जाति में जन्म लेना अभिशाप है? ना तो जाति पाति की लड़ाई तो बहुत दिन से तक चलेगा. आज भूमिहार का आप मर्डर करेगा, भूमिहार आपको मर्डर करेगा, तो ये तो सिलसिला से तो बंद होने वाला नहीं है. कभी भी मार सकता है, कभी कहीं मार सकता है. हमारे यहाँ कोई आदमी सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करता है. हम लोग तो लड़ाई में है, छः छः परिवार मारा गया है. गाँव के लोग भी पूरा मैंने जिला के लोग कहीं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता है. इस राज्य में हर आदमी अपने को सशंकित रहता है कि जाएंगे घर से तो घर आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें शक है. आज जब बिहार के लोग तंग हो जाएंगे सरकार के यहाँ से तो उग्रवादी ही होगा. हम लोग भी नहीं नौकरी होगी और एक साल दो साल देखेंगे, नहीं होगा फिर लोग उग्रवादी होगा मारेगा. पुलिस प्रशासन DSP SP DM नेता अगर नेते का मारेगा क्या करेगा? उसमें मतलब मरना ही है, उसमें मरना ही है तो हम लोग उसी मर जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं जीवन व्यतीत करेंगे.
If the government at least can do one thing is that it can find ways to reach to the poor people directly. The inability of the government system to reach to them and the commitment and ability of these ultra-left groups to be with them and to raise their issues, that's the reason that they continue and sustain their armed struggle, whatever they're doing, which I am not agreeing with. The dynamics of a political structure coming into this thing or a political party coming, it brings in a lot of opposition to the already set politics, creates a clash, and people die. And then it goes into oblivion, another party comes in. So definitely all the elements of clashes or contradictions will always be there. You cannot end this violence. This violence will come, it will stay, it will go on for years together. If there is some little marginal change at the surface, the change is because of the fight, the struggle. Part of it has been violent. Yes, violence is nothing to be lauded about, but it's a fact. भगवान तो जात पात बना के नहीं भेजे थे. भगवान तो मतलब आदमी एक ही आदमी गढ़े, जात पात नहीं भेजे थे, छोट नीच ऊंच नहीं बनाए. खून तो सब कह के है, जितना पांच गंगली तो पांचों में कोई कटिए तो दर्द तो नहीं होगा. क्योंकि जो छोट है तो इस पर ज़्यादा दर्द करेगा, बाल्टा के नहीं दर्द करेगा. कास्ट हैज बीन अ फैक्टर, कास्ट इज स्टिल अ फैक्टर, फॉर नियर फ्यूचर कास्ट रिमेंस अ फैक्टर. रणवीर सेना एक्टिविस्ट शॉट डेड फाइव लो कास्ट पीपल इन अरवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यस्टरडे. रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम सेड दे वर अटैक्ड बाय रणवीर सेना फॉर सपोर्टिंग माओइस्ट रेबल्स. A large number of people gathered in the village and watched in silence as their relatives sobbed over the dead bodies. Gun-toting policemen and the senior officials are guarding the area. Officials said three of the dead belong to one family. Saritha Devi, mother of the two of the dead, said nearly 200 people attacked the village. The outlawed Ranvir Sena, reportedly run by upper-caste landlords, has in the past targeted lower-caste people who are patronized by various Maoist communist outfits. Deepthi Chaudhary, ANI.